हल्द्वानी के ऋषिकेश से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है आपको बता दें परीक्षा आयोजित कराने वाली एन कंपनी में काम करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई बता दें सुबह उसके दोस्त उसके किराए के कमरे में पहुंचा तो उसका शव बाथरूम में पड़ा मिला मिली जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश के विहार में रहने वाला व्यक्ति जो कि छत्तीस साल का बताया जा रहा है काड़गोदाम में गणपति बैंकटौल के पास किराए के कमरे में रहता था तो वहीं उसके दोस्त ने बताया कि एन कंपनी जो कि इंश्योरेंस बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र में भर्ती होने वाले लोगों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराती है उसी कंपनी के चलते 10 मई को युवक की नियुक्ति कंपनी के काड़गोदाम स्थित कार्यालय में असिस्टेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के पद में भर्ती हुई थी तो वहीं शुक्रवार को युवक अल्मोड़ा में अपने कार्यालय से वापस लौटा था लेकिन अगली सुबह वो अपने कार्यालय ऑफिस नहीं आया जिसके बाद उसके ऑफिस से उसे कई कॉल और व्हाट्सएप मैसेज किए गए लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला जवाब न मिलने से उसका चिंतित दोस्त उसके कमरे में पहुंचा और उसे देखा कि उसका दोस्त अपने बाथरूम में पड़ा था उसे ऐसी हालत में देखते ही उसने तुरंत पुलिस को सूचना कर दी जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एंबुलेंस एम्बुलेंस से उसे एस टी एच अस्पताल भेजा जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया तो वहीं संबंध में जानकारी देते हुए काड़गोदाम थाना अध्यक्ष ने बताया कि युवक के परिजन हल्द्वानी पहुंचे थे जिन्हें पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया और उन्होंने कहा कि मौत कैसे हुई इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है